इंदौर के पास राऊ में बिलाल का आतंक, राहगीरों के सिर फोड़े, हिंदू संगठन के लोगों पर पथराव। नमस्कार, देखिए इंदौर क्षेत्र की पूरी खबर। राऊ में गुरुवार रात सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। उपद्रवी बिलाल ने राह चलते लोगों के सिर फोड़ दिए, महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाओं ने भी खूब पत्थर चलाए, छुरे और संबल लेकर सड़क पर आ गई। करीब 3 घंटे हंगामा चलता रहा। स्थिति संभालने के लिए आजाद नगर, तेजाजी नगर, राजेंद्र नगर थाना का बल लगाना पड़ा। आरोपित बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राम रहीम कॉलोनी में बने कम्युनिटी हॉल में वह जन्मदिन मना रहा था। बताते हैं, उसके द्वारा लगाए टेंट से निकलने पर बिलाल ने आम्रपाली कॉलोनी में रहने वाले अमितेश चौधरी पर हमला कर दिया। इसके बाद दूध बांटने वाले पर हमला किया। जैसे ही मारपीट की सूचना मिली, बड़ा बाजार बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए। बिलाल के पक्ष में महिला हथियार लेकर आ गई, उनके पास संबल और छुरे भी थे। पुलिस की मौजूदगी में ही पथराव किया। विवाद बढ़ने पर तेजाजी नगर, राजेंद्र नगर और आजाद नगर थाना प्रभारी बल लेकर पहुंचे। पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पथराव में राजकुमार पांचाल भी घायल हुआ है। देर रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राव थाने का घेराव किया, बिलाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल जिला संयोजक राम दांगी ने पुलिस को बिलाल द्वारा इंटरनेट मीडिया पर डाली पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए। बिलाल ने एक पोस्ट पर लिखा था कि 18 तारीख को राव में आतंक। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बिलाल लव जिहाद का आरोप लगाया है। उसने सिलिकॉन सिटी में रहने वाली एक किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते हुए भी वीडियो अपलोड किया था। एडिशनल DCP जयवीर सिंह भदौरिया के अनुसार घटनास्थल से CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। वीडियो से भी हमलावरों की पहचान की जा रही है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।